ओम शांति आज 11 जून 2021 की मुरली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है राज ऋषि माना ही पवित्र प्रश्न है आज का तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दल दल से कब निकाल सकेंगे उत्तर है जब तुम खुद उस दल दल से निकले हुए होंगे दल दल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए अच्छा कपड़ा पहने अच्छी चीज़ खाएं, यह लालच न हो तुम पूरा ही वनवा में हो इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं मैं आत्मा हूं ऐसे आत्मा अभिमानी बच्चे ही रावण की दल दल से मनुष्य को निकाल सकते हैं गीत है आज का तू प्यार का सागर है अब सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से ओम शांति कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे अब बताओ तुम कब से रहा भूले हो कोई ने कहा द्वापर से कोई ने कहा सत्युग से जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग है सत्युग से रहा भूले हैं रहा बताने वाला तो अभी तुमको मिला है सत्युग में रहा बताने वाले को नहीं जानते हैं वहां कोई पाप को वहां कोई बाप को जानते ही नहीं गोया भूले हुए हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है फिर अभी रहा बताने आए हैं कहते हैं ना प्रभु राह बताओ हम सत्युग से लेकर बाप को भूले हैं बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए यह ज्ञान ही निराला है ना, ज्ञान का सागर बाप ही है बाप सम्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर मैं ही हूँ तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम अब सुख धाम और दुखधाम आधा आधा है यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं बाप प्यार का सागर है तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं परंतु वह कौन है कैसे आते हैं यह भूल जाते हैं पाँच हजार वर्ष की बात है बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था सत्युग में है सदगति फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए बाप ही आकर समझाते हैं द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है बाप कल्प कल्प आते हैं अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है कभी नहीं कहेंगे कि मैं कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ पाठ बजाया है ड्रामा को वह जानते ही नहीं करके लाखों हजार वर्ष कह देते हैं करके लाखों हजार वर्ष कह देते हैं ड्रामा तो है ना ड्रामा ड्रामा रिपीट होता है यह तो कहेंगे ना यह ज्ञान तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है शिव बाबा का यह बच्चा भी है अर्थात स्त्री भी है देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो यह बातें शास्त्रों में नहीं है यह है प्रैक्टिकल बाप ही राजयोग सिखाते हैं जिनको राजयोग सिखाया वह क्या बने व राजाएं बने चौरासी जन्मों में आए बाइबिल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते कुछ भी नहीं अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो तुम्हारा तो बाप से योग है अर्थात बाप की याद है तुम अभी राजयोगी ऋषि राज हो अर्थात योगी राज हो योगी पवित्र को कहा जाता है स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो बाप के पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो योगी नाम ही उनका है तुम सब राजयोगी हो यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है तुमको राजयोग सिखा रहे हैं स्टूडेंट हो गए ना स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं परंतु माया फिर भी भुला देती है तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो भगवान पढ़ाते हैं यह समझे तब तो नशा चढ़े स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो पढ़ना तो फिर भी होता है राज विद्या भी पढ़नी पड़े भाषा आदि सीखनी पड़े तुम बच्चे समझते हो सत्युग से हम ये रहा भूलनी शुरू करते हैं फिर एक एक ठाका पोडी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो चौरासी जन्म पूरे हुए अब हमको जाना है तो खुशी होती है यह बेहद का नाटक है आत्मा कितनी छोटी है पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है तब कहते हैं बाबा रहा दिखाओ तो हम विश्राम पाए सुख शांति पाए तुम सुखदाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है यहां कोई हंग, वहां कोई हंगामा नहीं आत्मा को शांति है शांति के दो स्थान हैं कौन कौन से दो स्थान हैं शांति धाम और सुख धाम दुख धाम में अशांति है यह पढ़ाई है तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं तुमको कहने की दरकार नहीं तुम जानते हो तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं फिर जानना है यह खुशी है शांति की खुशी नहीं है पाठ बजाने में हमको मजा आता है खुशी होती है जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले ये अक्सर भी रॉन्ग है नहीं हम बाप को याद करते हैं कि विक्रम विनाश हो शांत तो मन रह न सके कर्म बिगड़ रह नहीं सकते बाकी महसूसता आदि है बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए यह तो है ही दुखधाम इसमें सुख हो नहीं सकता मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं कोई हंगामा तो है नहीं तो शांत तो हो जाते हैं परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है पाठ बजाना ही है या आते ही हैं कर्म करने कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है तुम बच्चे समझते हो यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं निराकार वाच अब तुम जानते हो हम आत्मा है हमारा बाप परमात्मा है परम आत्मा माना परमात्मा उनको यह आत्मा बुलाती है वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो यही मेहनत है आधा कलप से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी तुमको सच्चा सोना बनना है जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं तुम असल में सच्चा सोना थे फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पाठ बजाया है अब हम जाते हैं पियर घर जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है तुम्हें भी खुशी है तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है बेहद के बाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सदगति सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया जिसमें सब मिल जाएंगे वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएँ रहती है बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए ब्रह्म महातत्व है जिसमें आत्माएँ रहती है बाप भी वहाँ रहते हैं वह भी है बिंदी बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है बिंदी रूप को कैसे याद करें आधा कलप तो बड़े लिंग रूप को याद किया वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके इनका मंदिर कैसे बनाएंगे बिंदी तो देखने में भी ना आए इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं अंडे मिसल बनाते हैं कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया परमात्मा बिंदी मिसल है बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था अरे तुम आईसीएस आई शुरू आई से क्यों नहीं पढ़ते हो पढ़ाई के भी कायदे हैं ना कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं वाह, हमारे से बड़ी टीचर है उनसे लिखकर पूछते हैं बाबा को बताना होगा तो बताएंगे वा तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे यह सब है नई बातें तुम्हारे वे शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है फिर भी तुमको पढ़ने पढ़ने ही होंगे यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा पतित बनने का भी पाठ बजाना है कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं बाहर से तो खूबसूरती बहुत है जैसे रूनिया के पानी का मिसाल देते हैं भक्ति भी सुवेनी, अर्थात आकर्षक बहुत है बाप कहते हैं ये रूनिया का पानी है मृग तृष्णा समान एकदम फस पड़ते हैं जाते हैं औरों को निकालने के लिए फिर खुद ही फंस पड़ते हैं ऐसे बहुत फंस पड़े आश्चर्यवत सुनंती कथनती औरों को निकाव निकालवंती चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं फिर अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल में कितना निक, कितना निकले हैं जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है बाबा कहते हैं जितना जितना निकलेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की बाण चलाने वाले कोई तिखे होते हैं कोई कमज़ोर होते हैं भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना अर्जुन साथ रहने वाला था अर्जुन एक को नहीं जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया दस्टांत एक का दिया जाता है बात तो बहुतों की है तीर भी व यह ज्ञान का है हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा हमको यहाँ तो वनवा में रहना है बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ यह तो पुराना तमोप्रदान शरीर है तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो इच्छा मात्रम अविद्या बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो ऐसे क्यों कहते हैं इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देखकर आई है और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं आजकल माया भी लूटने वाली बहुत निकली है फीमेल भी डाका मारती है दुनिया का हाल देखो क्या है तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है हम यहां शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ वह सत्य है चैतन्य है आनंद स्वरूप है आत्मा की ही महिमा है आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ मैं फलाना हूँ और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं बाबा से वर्षा ले रहे हैं आत्मा अभिमान में रहना है इसमें ही मेहनत है यह मेरा फलाना है यह मेरा यह याद रहता है हम आत्मा भाई भाई है यह भूल जाते हैं यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है मैं आता हूँ मैं आत्मा हूँ इनकी आत्मा भी जानती है बाप समझा रहे हैं मैं भी सुनता रहता हूँ पहले मैं सुनता हूँ भल मैं भी सुना सकता हूँ परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ तुम सदा समझो किसी बाबा समझाते हैं ये सब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते वहा बाबा वहा वह मेरा भाग्य धारणा के लिए जो मुख्य सार है पहला पॉइंट मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है आत्मा अभिमानी रहने की मेहनत करनी है यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है दूसरा पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है शांति धाम और सुख धाम को याद करना है इस दुख धाम को भूल जाना है अब मीठे बाबा का मीठा वरदान है हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव हर संकल्प हर समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव विस्तार संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते जब से जन्म हुआ है तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे ऐसे नहीं कि एक सेकंड वा एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है नहीं संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले स्लोगन है श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है अच्छा ओम शांति